तो कैसे हैं आप लोग? आजकल लोग महंगी गाड़ियां किराए पर लेकर रीलें बना रहे हैं, जबरदस्ती लड़ाई करके एक दूसरे को लोकेशन पर बुला के और फिर खुद ही कंप्रोमाइज करके भाईचारा दिखा रहे हैं। खैर, इस हवाबाजी के जमाने में लौंडों की ऐसी बरादरी पैदा हो चुकी है जो अगर थोड़ी सी और लचकीली होती तो अपना लंड चाट लेते। सिनेमा में ये वो लौंडे हैं जिसे किसी लड़की ने आज तक चूमा नहीं, और जब इनसे पूछ लो तो बहाना सुन लो इनका। मैं कभी ऐसी लड़की को किस भी नहीं करूंगा जिसने अपने होठों पे लिपस्टिक लगा रखी हो, क्योंकि लिपस्टिक में बहुत सारे गंदे केमिकल्स होते हैं। अबे टांगे थोड़ी चूम रहे हो गंदे केमिकल, जब दारू सूटा चला रहे होते हो तो क्या शरीर में गुलाब जल जा रहा होता है? और मेकअप की क्या बात कर रहे हो, खुद 50 फिल्टर लगा कर रखे हैं। अगर तुम्हारे दोस्त के तुम्हारे अलावा और भी दोस्त है ना, तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं मेरे भाई। अभी काले कवे जब दिक्कत में फंसेगा तब दोस्त के कंटेक्ट नहीं होंगे तो क्या तो एक दूसरे के मुंह में लोगे? दोस्त के दोस्त नहीं होने चाहिए। अबे बालक ऊंचे जमले पूरी ज्ञान चौधरा है, ये सोशल मीडिया चार्ट के इन जांटों को लगता है पूरी दुनिया देख ली। तो आओ यार, अपनी मेच्योरिटी को थैले में बंद कर दो, जिन पर है उनकी बात कर रहा हूँ, और शुरू करते हैं बिना किसी बच्चे के। अगर मेरे सामने कोई ऐसा लड़का आएगा जिसकी बंदी एक्सट्रीमली हॉट है और वो एक चूतिया है, मैं उसकी बंदी छीन लूंगा। चिप्स का पैकेट नहीं है जो तू छीन लेगा, खुद लेनी सा है नहीं, और रात चलते चूतिया तो ये फोल्ड करके पतंग की तरह हवा में उड़ा देगा। ये जो वर्जिनिटी है, ये शादी पे दिया जाने वाला तोहफा, जन्मदिन पे नहीं। अबे पिल्ले थंबे पर मुतना सीखना नहीं, शादी की बात कर रहा है, कहीं पब्लिक में जाके बोल दे तेरी गांड और वर्जिनिटी दोनों तोड़ देंगे। मैं अगर किसी बंदी को जिसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसे बढ़िया पेलता हूँ, मैं उसे सीधा बोल सकता हूँ कि अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर, 50,000 रुपए चाहिए मुझे, तो मेरा स्पर्म निकलना मेरे काम आ रहा है। अरे अमित जी का में रहते है क्या, क्या बातें हैं ये, बचपन में प्यार नहीं मिला और एक तो ये फिल्टर लगा रखा है, अलादीन का इमेजिन बच्चा लग रहा है। चूतियापंती पता स्कूल की क्या है, उन बैंड के लोड़ों ने ये तो बता दिया कि ये सेक्स होता है, पर उन्होंने मास्टरबेशन ये टॉपिक कभी छेड़ा ही नहीं। स्कूल में टीचर मुठबाजी की बात करेंगे? अबे पागल हो गया है क्या, जो भी खुद से नहीं हो रहा स्कूल वालों पर डाल दे, कल को बोलेगा अजी उसे सेक्स ही नहीं हो रहा, तो टीचर्स थोड़ी सिखाएंगे, साले वो शिक्षा के मंदिर हैं, कोठा नहीं। पर तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़ रही है, साफ साफ है कि वो किसी और का ले रही है। अबे सिग्मा फेल पूरी जिंदगी पोर्न हब नहीं है, इससे ब्रेकअप हुआ तो उसका ले लिया, उससे ब्रेकअप हुआ तो इसका ले लिया, ये लेने और देने के अलावा और भी बहुत से काम है लोगों पर, और जैसी इसकी बातें हैं इससे ज्यादा तो लड़कियां दीपक लाल पर होंगी। आजकल के लोंडो पे असला बाजू बुलेरो स्कॉर्पियो थार सब मिलेगा पैसा छोड़ के। तो थार और बुलेरो कौन सी बर्थडे पार्टी के रिटर्न गिफ्ट में आ रही है, वो भी तो पैसों से मिलती है। अरे सोशल मीडिया के कौन से कोने से निकल के आते हैं छिपकली के बच्चे, पैदा हुए 15 मिनट नहीं हुए, एटीट्यूड ऐसा जैसे देश के चूतियों के साथ बैंक का रिश्ता कर दिया है बेंचर। खैर अब चलते हैं दूसरे सिग्मा मेल पर। असली क्रिमिनल है वो लड़कियां जो इंटरनेट पर ऑनलाइन अपनी गांड लानी, क्योंकि वो तुम्हें पूरी बॉडी से गाली दे रही है। तो तू उल्टी गांड हिला देता, पहली बार देख रहा हूँ क्या किसी को नूरा फती का इन्फ्लुएंसर लग रही है? सबसे बड़ी गाली क्या है, सबसे बड़ी बेइज्जती क्या है? तुझे पैदा करना कुछ गुंडे के लिए चाहिए। अबे बालू क्या बन गया? अच्छा ये बताओ वोट दोगे, नीट चाय की तैयारी करोगे, बाप के पैसे खर्च करना बंद करोगे? अगर हर चीज का जवाब यही है तो जिंदगी क्या हो जाएगी? हाँ बस बस इतना तो चलता ही है। मैं सिर्फ 3 घंटे सोता हूँ, 21 घंटे काम करता हूँ, 1 घंटे मजे में डांस करता हूँ। अबे प्रिंसिपल सबसे पहले नहा क्या, ये सिग्मा मेल नहीं सिग्मा मेंढा है, और 21 घंटे काम, 3 घंटे सोना, 1 घंटा डांस करना। अरे अभी साले 25 घंटे दिल में कब से हो गए, इसीलिए कह रहा हूँ पापी गुड़िया सो जा। लोग हिटलर को बुरा मानते हैं, मैं हिटलर को बहुत अच्छा मानता हूँ, सिर्फ 1 करोड़ लोगों को मानता हूँ। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, मेरा नाम लेकर रीले बना रहे हो, जिसकी पक्की उसका घोड़ा, जो रीले बना वो बैठ कर लूड़ा। अगर पेरेंट्स पैशन को फॉलो नहीं करने दे रहे हैं तो क्या किया जाए, वायलेंस, पिटाई करो उनकी। यूं बुद्धि पकड़ लेगा तेरा बाप, इस छन्नी के दाने को कंडम के एड में होना चाहिए था, कभी बचपन में मार नहीं लगी इसके। तो मेरे एक दुश्मन की नुनू में चोट लगती, 8 दोस्त है, 8ों ने आगे मेरे ऊपर हमला कर दिया, 8ों के 8ों को मारा मैंने पटक पटक। ये चूतिया बॉक्सर मारेगा 8 लौंडों को, अच्छे दिखाइए कैसे मारा।
और शिट मेरी तो गांड हट गई। अरे चांदनी चौक की चुतिया क्या गुलाटियां मार रहा है, ना टांग उठ रही ना पहुंच रहा है, आठ लौंडे पीट दिए, अभी तो और आवाबाजी देख इसकी। इट्स हर्टलेस नाम के लड़के ने मुझे चैलेंज किया कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड को पटाऊं 5 दिनों में, एक दिन में पटा ली मैंने, देखो स्क्रीनशॉट। हाय, हु आर यू? योर हैंडसम ड्रीम बॉय, सी माय फोटो। रियली? आई हैव ए वेरी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड। वेरी ब्यूटीफुल, ये क्या किया तुमने? क्या? नजर लगा दी उसे, मर गई वो, अब मैं सिंगल हो गया, मेरे बच्चे अनाथ हो गए। डोंट लाफ, अब पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें। व्हाट पनिशमेंट? मिलकर बताऊंगा। इसकी तो अरेंज मैरिज भी नहीं होगी, ऐसे तो दोबन की बेटी भी नहीं पटेगी। मुझे तो लगता है लड़की भी यही है। अरे साले अपने साथ ही गेम कर रहे तू, इससे बढ़िया तुम मुठ मार लो। खैर ये तो बच्चे थे। आपका स्वागत है सबसे पहले और आखिरी इंटरव्यू। आओ मिलते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट सिग्मा टट्टे से। आओ भाई कैसे हो? अरे अरे ये क्या कर रहे हो भाई, ये मिलने का तरीका है? सिग्मा मेल ऐसे ही मिलता। ये सिग्मा बिग्मा ये क्या है भाई? ये देखो तीन तरह के मेल्स होते हैं, ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा, सी फॉर सिग्मा। सिग्मा तो ऐसे स्टार्ट होता है। किसने बताया? स्कूल में टीचर्स ने बताया था। अगर टीचर्स को सब पता होता तो उनके पास लैम्बोर्गिनी नहीं होती। टीचर्स के पास कैसी लैम्बोर्गिनी आ जाएगी? एग्जैक्टली नहीं आ सकती, क्योंकि वो लड़कियां हैं और लड़कियों में खुद दिमाग नहीं होता, वो क्या पढ़ाएंगी? लड़की उसकी दुश्मनी है। दुश्मनी? अरे सर पे चढ़ा रखा है। ये बताओ आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? आलू की पराठी। पराठा होता है? अबे तू ठीक है? कुछ मार वार के आया क्या? आज जस्ट अभी एक लड़की से लड़ाई करके आया। मजाक कर रहे मेरे साथ? नहीं नहीं सच्ची, मैं अपनी गाड़ी में एल्विश भाई के गानों पे वाइब कर रहा था, अचानक से एक लड़की स्कूटी पे आती है और मेरी गाड़ी ठोक देती है। मैंने चिल्ला दिया, अबे साली भेंगी है क्या, फेंक रख के दिया उसने। आप बताओ किसकी गलती है? अबे चूतिया तू खुद भेंगा है। थैंक्स, आपने सही कहा, मैं महंगा। महंगा नहीं, बेंगा है, बेंगा। नहीं नहीं मैं जेंगा में इंटरेस्ट नहीं रखता, बीटा मेल वाला गेम है। अभी तू उल्टा पैदा हुआ था क्या? मेरी सेक्सुअलिटी पे क्वेश्चन मत उठाओ, मैं तस्टेट हूँ, मेरे झाट के बाल भी घुमरा लेनी है, यहाँ तक कि मुठ भी मैं अपने खुद के हाथ से नहीं मारता। अरे भाई कहाँ से लाए हो इसे? मेरी बर्थ प्लेस पूछ रहे हो? वही बता दे। मेरे बाप के टट्टे। फालतू बात करने का तुझे बड़ा शौक है। एक सिग्मा मेल बातों का नहीं गाड़ियों का शौक रखता है, हाई वैल्यू मैन। अच्छा कौन सी गाड़ी है तेरे पास? जी वैगन, जी वैगनार। वैगनार, बड़े मस्ताने गंडू हो आप। अच्छा ये बताओ जो तू सिग्मा बॉल बॉल के बच्चों में टॉक्सिसिटी पाल रहा है, तेरे को गलत नहीं लगता? टॉक्सिसिटी? एक सिग्मा मेल बस यही बताता है एक लड़की को कैसे रखा जाता है, बिकॉज एक लड़का और लड़की कभी इक्वल नहीं हो सकते। लड़कों का काम है बच्चे डालना और लड़कियों का काम है बच्चे निकालना, इसमें क्या है, साइंस से मानता है। अरे साले एक दिन बहुत गंदा पिटेगा तू अगर अभी तक नहीं पिटा है तो। एक लड़की कितने भी थप्पड़ घूंसे मार ले, एक सिग्मा मेल को कभी कुछ फील नहीं होता। फिर से लड़की, एक काम करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। अरे बुलाना जरा। अरे तू स्कूटी वाली? हाँ भाई कुछ फील हुआ? नहीं। तू रो क्यों रहा है? एक सिग्मा मेल रोता नहीं बल्कि रुलाता है लड़की को। Are you getting me now? बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बता कभी सीरियस रिलेशनशिप में रहा है? हाँ अभी भी। अच्छा उसको लाया अंदर? सबको लाया। सबको? ये मेरी आंट गर्लफ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स है। अच्छा क्या बिजनेस है? मैं जहाँ बोलता हूँ वहाँ जाती है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स है हमारे। यू सी एक सिग्मा मेल हमेशा बिजनेस खड़ा करता है, इसलिए मैंने खड़ा करने का बिजनेस खड़ा किया है। मेरे अब्बा जान कहते थे कोई भी धंधा बड़ा या छोटा नहीं होता। ये तो अम्मी जान का डायलॉग है। हाँ पर उन्हें कभी बोलने नहीं दिया। यू सी एक सिग्मा मेल कभी किसी लड़की की बात नहीं सुनता है। मैंने तो अपनी माँ का दूध भी नहीं पिया है, जब मैं 2 घंटे का था तब से प्रोटीन शेक पी रहा हूँ। क्या पागल आदमी है, क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है, सिगार जला रहा हूँ। अबे चूतिया बीड़ी है वो। एक सिग्मा मेल जिस बीड़ी को चलाता है वो अपने आप सिगार बन जाती है। कोई सेंस नहीं है इस बात की। सेंस तो लड़कियों में भी नहीं। अरे तू बार बार लड़की पे कैसे चढ़ जाता है? जरूरी नहीं है, कभी कभी वो मुझ पे भी चढ़ जाती है। यू सी एक सिग्मा मेल हमेशा ऐसी। अरे ये तो फीमेल दया है। माफ कर दो दीदी। बस बोली, ये जितने भी सिग्मा बने घूम रहे हैं ना, सुनो असली जिंदगी में अल्फा बीटा गैमा लौड़ा लहसन सब बनना पड़ता है, बस वक्त वक्त की बात है। इन सोशल मीडिया के गुंडों की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अब अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, एम करते हैं 3 मिलियन लाइक्स की। और जो लोग नए हैं क्या करो भाई, वो जो लाल वाला बटन है उसके ऊपर प्रेस करो, सब्सक्राइब करो, उस संग लड़ाई करो या कंप्रोमाइज करो, बस प्रेस हो जाना चाहिए। सोच रहा हूँ वड़ा पाव का ठेला लगा लूं और सड़क पर बैठ के कुछ ड्रामा कर लूं। व्यूज तो आ ही जाएंगे। बाय। आ रही है सिग्मा टट्टी को क्या हो गया?